हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आस्था एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम साइंस का एक टॉपिक लेते हैं जो एक कॉमन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। फ्रॉम 9th क्लास टू 12th क्लास ये साइंस में कंपलसरी आता है, तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है आपका 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास, ये एक वाइड स्कोप मैटर है। इसको हमने 2 वीडियो में इंक्लूड किया है। ये हमारा आज पहला वीडियो है और इसका सेकंड वीडियो भी आप देखना। यदि इस टॉपिक को पूरा ढंग से समझना चाहते हैं तो दोनों वीडियो को आप कंटिन्यू देखना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर। यू नो दैट ऑल यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैटर। सिंपली यू नो वेरी वेल देर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एंड 4th इज फ्लूडिटी, फ्लूड प्लाज्मा, और आजकल तो 5th स्टेट को भी हमने लेबोरेटरी में डिस्कवर कर लिया है मैटर की। वैसे 7 स्टेट होती हैं, 2 स्टेट अभी हमारे हाथ में नहीं है, वो हम लेबोरेटरी में भी अब तक एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। तो हमारा जो कंसर्न है जिस टॉपिक से, 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड और गैस। यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम, ये बात हमको सबसे पहले भारतीय जो ऋषि थे महर्षि कणाद, उन्होंने बताया कि पदार्थ का वो छोटे से छोटा पार्ट जिसका और ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता उसको हम परमाणु कहते हैं। ये महर्षि कणाद ने कहा। इसके बाद वेस्टर्न फिलोसफर और साइंटिस्टों ने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, ये एटम हुआ। आफ्टर दैट डिस्कवरी हुई कि इस एटम के अंदर कौन एटॉमिक पार्टिकल हैं, कोई और भी तो रहता होगा। द क्यूरियोसिटी इज द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी, यू नो वेरी वेल। तो ये जिज्ञासा हुई कि इस एटम के अंदर और क्या है, तो सबसे पहले जे.जे. थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। आपने वो सब ने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए। जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे.जे. थॉमसन। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया, उसको दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगाए, उनको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया, उसमें एक वैक्यूम पंप के द्वारा वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। अब जब उसने हाई वोल्टेज सप्लाई किया तो उसने देखा देयर आर सम रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। लिसन, देयर आर सम रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड एंड ही से कैथोड रेज। उन्होंने उसको कैथोड रेज कहा। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया, इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, इनमें मास होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, इनमें फ्लोरसेंस क्रिएट करने की कैपेसिटी होती है, ये पेंट्रेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है, और क्या ये सारी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने कंसर्न किया। फिर उन्होंने उसका चार्ज निकाला, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड नेगेटिव इज द नेचर। सो आफ्टर मेनी इयर्स इन्हीं कैथोड रेज को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन, चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, नेगेटिव होता है, और इसका मास 9.109 × 10⁻³¹ kg होता है। इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये है। अब आते हैं उसके बाद प्रोटॉन के ऊपर। तो यूरोप में उसी समय नीत्से, ह्यूम और कई फिलोसफर आए हुए थे, और वो ये कह रहे थे कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो कपल में है, पेयर में है, सिंगल कुछ भी नहीं है। तो गोल्डस्टीन के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जब एटम के अंदर एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव चीज भी होनी ही चाहिए। उन्होंने उसी एक्सपेरिमेंट को जो जे.जे. थॉमसन ने किया था उसको दोबारा रिफॉर्म किया और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। उन्होंने वही एक ग्लास ट्यूब लिया, वैक्यूम क्रिएट किया, इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए हाई वोल्टेज से, हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर उन्होंने देखा देयर आर सम रेज इमिटेड फ्रॉम द एनोड एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड। अब उन्होंने अपोजिट देखा, एनोड से कुछ रेज निकल रही हैं और वो कैथोड की ओर जा रही हैं। उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, एनालिसिस किया, और आफ्टर मेनी ईयर्स उसका नाम रखा प्रोटोन। तो प्रोटोन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। प्रोटोन वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होती है, उसका मास 1.672 × 10⁻²⁷ kg होता है। ओके, ये इसका मास, चार्ज और नेचर ऑफ द चार्ज।
इसके बहुत समय बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई जो जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका मास होता है 1.674 into 10^-27 kg, दैट इज द मास। अब मैं आपको दोबारा इनका एनालिसिस बता दूं। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेजे थॉमसन, चार्ज नेगेटिव होता है, नेचर ऑफ चार्ज नेगेटिव होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10^-19 कूलम होती है, मास 9.109 × 10^-31 kg होता है। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन और नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10^-19 कूलम होती है, 1.672 × 10^-27 kg, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, देयर इज नेचर न्यूट्रल और न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं है, और 1.674 × 10^-27 kg इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम आते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसके बाद जेजे थॉमसन, दैट इज द फर्स्ट पर्सन जिसने अपना एटॉमिक मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया। एटॉमिक मॉडल वो हम जानते हैं, नाइन्थ का बच्चा भी जानता है, दैट इज दिस मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल एट दैट टाइम। लेकिन चूंकि दिस पर्सन जेजे थॉमसन अटेम्प्ट एंड एफर्ट टू गिव अप द एटॉमिक मॉडल, इसलिए उसको स्टडी करते हैं। थॉमसन के मॉडल को पाव कोडिंग मॉडल कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक हम स्पेयर समझ लीजिए, इस स्पेयर में जगह जगह सपोज कीजिए ये केक है, चेरी और लगी हुई है, तो ये जो है स्पेरिकल है केक, ये पॉजिटिव है, और जगह जगह जिस लाइक चेरी लग जाती है, जिसको पाव कोडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये नहीं बताता कि प्रोटोन कहाँ है, चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, कैसे फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ एनवायरनमेंट है, देयर इज ए अरेंजमेंट, देयर इज ए पैटर्न, एंड दिस पैटर्न बाय विच लो, ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसलिए थॉमसन मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल, बट वी स्टडी बिकॉज दैट पर्सन ट्राई टू अटेम्प्ट गिव द मॉडल। सेकेंड रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने एटम के अंदर व्हाट इज द पोजिशन ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने बताया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है इनसाइड द एटम, और उनको जाता है क्रेडिट टू डिस्कवर न्यूक्लियस इनसाइड द एटम। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक्टिविटी क्या है, रदरफोर्ड टेक सम गोल्ड फॉयल एंड बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, यू नो दैट अल्फा पार्टिकल आर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड दे आर जस्ट लाइक द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होते हैं। उनका बम्बार्डमेंट जब अल्फा गोल्ड फॉयल के ऊपर किया गया तो रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल वे होता है, हम एक तरफ लिखें व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट आर द रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल। इससे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। सेकेंड, उन्होंने देखा देयर फ्यू पार्टिकल विच मूव विच डिटेक्ट विच डाइवर्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ विद एन एंगल ऑफ 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। इट मीन्स देयर इज समथिंग पॉजिटिव एट द सेंटर। एंड थर्ड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कम बैक एट 180 डिग्री, जिस रास्ते से गए थे उसी से वापस आ गए। इससे उसने रिजल्ट निकाला कि दिस सेंट्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव इज वेरी हार्ड एंड वेरी डेंस, दैट इज द एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन। एंड बाय दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूड द थ्री रिजल्ट। रिजल्ट क्या थे, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, सेकेंड देयर इज समथिंग पॉजिटिव एट द सेंटर, एंड दिस पॉजिटिव पार्ट विच इज लाई एट द सेंटर इज वेरी हार्ड एंड वेरी डेंस, दैट इज द थर्ड कंक्लूजन। इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या बताया हमको, देयर आर सम पोस्टुलेट ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द एटम। यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एटम कंटेन चार्ज पार्टिकल बट देयर इज नो चार्ज ऑन द एटम इटसेल्फ। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट एटम कंटेन चार्ज पार्टिकल, व्हाई दिस हैपन।
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू चार्ज की जो मैंने बताई थी सेम होती है, दे कैंसिल टू ईच अदर, नेट चार्ज ऑन एटम इज जीरो। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज पॉजिटिव, हार्ड एंड डेंस एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। ये पोस्टुलेट हमको रदरफोर्ड ने दी एटॉमिक मॉडल के। अब इसके दो ड्रॉबैक हैं, दो इसकी कमियां हैं, डिमेरिट हैं, उनको समझ लर्न करना तो बहुत आसान है लेकिन समझने के लिए पूरी कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाती है, वो अभी हम आपको आगे कराएंगे। पहले उनको देख लीजिए, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट ड्रॉबैक ये था, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। दीज आर टू ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। These drawbacks are removed by the Bohr atomic model. इस समय में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो चुका था और Bohr atomic model जब आया तो उस समय में क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स के बीच में डिफरेंस बहुत आसानी से हो गया था। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डाला है डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल फिजिक्स, ये हम समझाएंगे, उसके बाद ही आपको इसके ड्रॉबैक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट क्या है? तीन चार पोस्टुलेट तो सेम है जस्ट लाइक द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नाउ वी स्टडी व्हाट आर द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। The central part of atom is positive, hard and dense, which is known as nucleus. Electron revolve in the elliptical orbit around the nucleus, not in circular orbit. That is said by the Rutherford. There is the difference. According to Bohr, electron revolve around the nucleus in elliptical orbit. Next, जो उस अपनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका, जिसको उसने एनर्जी लेवल कहा, उनको उसने क्या कहा? एनर्जी लेवल। सच दैट दैट इज द न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाई हियर, दीज आर द ऑर्बिट एंड दीज ऑर्बिट इज नोन एज एनर्जी लेवल सेट बाय द बोहर। तो कोई इलेक्ट्रॉन यदि अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ द एनर्जी। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में मूव करता है ना एनर्जी का लॉस होता है ना एनर्जी का गेन होता है, ठीक है। अब लॉस नहीं होता गेन नहीं होता ये उसने बताया, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने से हायर या लोअर में जाता है तो उसकी एनर्जी में लॉस और गेन होता है, ये पॉइंट। फिर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो उस ऑर्बिट में मूव करेगा, यानी हम कैसे माने कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट कौन सी है, उसके लिए उसने बताया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन टू पाई, यानी एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का एन एच अपॉन टू पाई के का इक्वल या इसका मल्टीपल होता है। एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4, एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट, टू पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये एंगुलर मोमेंटम होता है। दैट इज द बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में भी कुछ कमियां हैं, देयर आर द ड्रॉबैक। वन एंड मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल इज दैट दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ही ओनली एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन, डिफरेंट फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इन सबको वो एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन जो मल्टी
इलेक्ट्रॉन होते हैं, यू नो वेरी वेल देयर इज वन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 जाती है तो वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी मल्टी या पॉली एटॉमिक पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। साथ में ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन उसके अंदर जो बामर सीरीज और ब्रैकेट सीरीज और फ्रैंकफर्ट सीरीज आती है उन सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। चलिए, ये आपका बोहर एटॉमिक मॉडल। अब इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें और कर लेते हैं, फिर आगे हम चलेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल फिजिक्स। नाउ कम ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एटॉमिक नंबर मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। यू नो दैट वेरी वेल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम दैट इज द एटॉमिक नंबर। जस्ट लाइक दैट ऐसे लिखते हैं इसको जेड ए। सपोज एक्स इज एन एलिमेंट, नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर आता है डिनोटेड बाय जेड, ऊपर हमेशा एटॉमिक मास आता है डिनोटेड बाय ए। एटॉमिक मास मींस मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट लाइक इन द न्यूक्लियस, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मास ऑफ द सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द एटॉमिक मास और मास नंबर डिनोटेड बाय ए इज दैट sum of the mass of proton and neutron. So we make it equation atomic number mass number equal to atomic number plus number of neutron. From this equation we can find out how many proton, how many electron, how many neutron are present in a given atom. That is the equation. Now we come next topic, that is the isotopes. Isotopes are atom of the same element. Attention pay please on every words. Atom of the same element having same atomic number but different mass number are known as isotopes. Yani ek hi element ke wo atom jinka mass number different hota hai lekin atomic number same hota hai usko hum isotopes kehte hain. For example there are 3 isotopes of hydrogen, 1H1 jisko simple hydrogen kehte hain, 1H2 jisko hum deuterium kehte hain aur 1H3 jisko hum tritium kehte hain. Isobar just opposite to that. Atom of the different element having same mass number but different atomic number. अलग अलग element के वो atom जिनका mass number तो same हो लेकिन atomic number अलग अलग हो, they are known as isobar. For example, calcium 20, mass number 40. Calcium 18, 18 is the atomic number, mass number 14. Mass number equal, different element and different atomic number. They are the isobar. फिर होता है isoneutronic भी होता है एक. Isoneutronic का मतलब वो element अलग अलग atom के जिनमें number of neutrons जो होते हैं same होते हैं उनको हम isoneutronic कहते हैं. ये हुआ. अब आते हैं difference between quantum and classical physics. इसके लिए हमको ये समझना होगा कि जो हमारी physics है उस फिजिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आइंस्टीन, ये क्या नाम, न्यूटन, केपलर, उससे पहले के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, उस समय में मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं किया जाता था यूरोपियन कंट्रीज में, तो उन लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स को डेवलप किया. सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन न्यूटन का आता है. क्लासिकल फिजिक्स ये मानती है कि पूरा यूनिवर्स मैटर से बना है, मैटर एटम से बना है, एटम इटसेल्फ इज ए पार्टिकल. जब हमने इसकी डिस्कवरी की, व्हाट आर द फंडामेंटल एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो इनको भी हमने पार्टिकल कहा और क्लासिकल फिजिक्स इनको पार्टिकल कंसिडर करके ही स्टडी करता है. पार्टिकल में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एटम ले सकते हैं, उसके बाद कोई और बड़ी चीज ले सकते हैं, आप पूरा स्टार, ये पूरा, ये क्या नाम, गैलेक्सीज, और उसके बाद यूनिवर्स भी ले सकते हैं. उनके बीच में कैसी फोर्स लगती है, वो कैसे मूव करते हैं अपनी ऑर्बिट में, जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उसने समझाया न्यूटन ने, तो ये क्लासिकल फिजिक्स है. बेसिक एक लाइन में हम समझ सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जो पार्टिकल की स्टडी करता है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस में वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पार्टिकल कंसिडर करके स्टडी करता है.
बहुत सारी कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गई थी। लेकिन जैसे ही आइंस्टीन, मैक्सवेल, मैक्स प्लांक, हर्ट्ज, एस एन बोस, दैट इज इंडियन साइंटिस्ट जिसने आइंस्टीन के साथ मिलकर एक रिसर्च पेपर भी लिखा था और उसने एक इक्वेशन बनाई थी जिसको बोस आइंस्टीन रिलेशनशिप कहते हैं, वो सब डेवलप किया। इन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स को डेवलप किया। दैट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द सिंगल पर्सन, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी साइंटिस्ट एंड देन डेवलप हुई द क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम कंसिस्ट ऑफ ए वर्ड क्वांटा, क्वांटा मीन्स ए पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। बस बेसिक डिफरेंस ये है, क्वांटम फिजिक्स जो है वेव मानती है इलेक्ट्रॉन को और क्लासिकल फिजिक्स उसको पार्टिकल कंसीडर करती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वांटम फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में और क्लासिकल फिजिक्स में यही डिफरेंस है कि क्वांटम फिजिक्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सच दैट पार्टिकल्स जो हैं उनको वेव मान के कंसीडर करती है, एनर्जी मान के कंसीडर करती है और उसी के बेस पे सारी आगे की रिसर्च हुई है। और जो क्लासिकल फिजिक्स है वो पार्टिकल कंसीडर करती है। रदरफोर्ड तक पार्टिकल ही कंसीडर किया गया था। रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था एटम जो है स्टेबिलिटी को लेकर के, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, उस जो उसका ड्रॉबैक था उसमें इसने बताया, हम उसको यहां पर अब एक्सप्लेन करेंगे कि क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है, मतलब रेडियस कम होती जाती है एंड लास्ट ही फॉल इन द न्यूक्लियस एंड एटम डिस्ट्रॉय, बट इट कुड नॉट हैपन। इसका मतलब रदरफोर्ड ही कहीं ना कहीं गलत था। तो ये इस फैक्ट के आधार पर हमने इसके ड्रॉबैक को निकाला। क्या फैक्ट था? फैक्ट ये था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, मींस रेडियस डिक्रीज होती है एंड लास्ट ही फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम डिस्ट्रॉय। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर सेकंड हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, वो अभी बताएंगे। स्पेक्ट्रम को सिंपल वे में आपको इतना समझा दूं कि जब कोई व्हाइट लाइट को आप किसी प्रिज्म से पास आउट करते हैं जिसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो वो सेवन कलर में स्प्लिट अप हो जाती है, तो उसकी जो बैंड बनती हैं अलग अलग कलर की जो बैंड बनती हैं, पट्टियां बनती हैं, उनको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब एच हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ द एनर्जी, उसके लिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से भी अफेक्टेड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट भी करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड से भी अफेक्टेड होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती हैं, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो एच हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्टिविटी थी? उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, उसके दोनों तरफ ये आपके इलेक्ट्रोड लगा दिए, अमीटर और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। उन्होंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगाया, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, यहां पर मेटल पीस रखा और यहां पर मेटल पीस रखने पर उन्होंने एच सनलाइट यहां पर डाली। एच को एच न्यू कहते हैं। आपको बेसिकली मैं बता दूं कि जो वेव हमने बताया क्लास क्वांटम फिजिक्स में, वेव की कुछ करेक्टरिस्टिक होती है जिनको आप आसानी से जानते होंगे। वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड होता है, वेव नंबर होती है, दीज आर द बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव। तो इनके आधार पर ये लाइट, इसने क्या किया, जैसे ही सनलाइट किसी मेटल पीस पर गिरती है सीजियम वगैरह के ऊपर, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की ओर आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर आते हैं, यहाँ एनोड से कनेक्ट होते हैं, ये सर्किट पूरा होता है और अमीटर इंडिकेट करता है देयर इज समथिंग लाइट। तो लाइट हुई, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है सनलाइट को। फोटोन जो वर्ड है वो फोटो से बना है, फोटो स्टैंड फॉर द लाइट, उसी से बना फोटोन। तो फोटोन जैसे ही इस पर स्ट्राइक करते हैं वैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, निकलना शुरू होता है और वो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के द्वारा कैच कर लिए जाते हैं और ये सर्किट पूरा होता है और अमीटर शो करता है कि यहां पर क्या हो गया है। सर्किट पूरा होने पर यहां अमीटर क्या बताता है, करंट बताता है किसी सर्किट में, तो ये बताता है कि करंट है। ये करंट कहां से आई, इस सनलाइट की वजह से आई।
अब यही इसी बेस पर ये जो एक्सपेरिमेंट एच हर्टज का हम पढ़ रहे हैं, आपका सोलर पैनल बना हुआ है जो आप घरों पर, बिल्डिंग्स पर, होटल्स पर, आप बड़े बड़े सोलर पैनल उनके छतों के ऊपर देखते हैं, वो सारे के सारे इसी प्रोसेस पर, इसी फिनोमिना के ऊपर काम करते हैं। इसमें हमने उन्हें बताया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पर स्ट्राइक होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो जाता है। देयर इज नो टाइम गैप, इसके बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता। सेकंड, यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, यानी ये इंटेंसिटी जिसको हम ब्राइटनेस भी कहते हैं, ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, यानी उस फ्रीक्वेंसी की लाइट यदि उस पर गिरती है तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उससे कम होने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड डिनोटेड बाय न्यू जीरो, आप जानते हैं दैट इज द फ्रीक्वेंसी, और इसको हम न्यू एंड यू कहते हैं, दैट इज द सिंबल, और हमने 9th और 10th में इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, बट इन हायर क्लास 11th एंड 12th हम इसको न्यू कहते हैं। तो न्यू जीरो, तो एच न्यू जीरो इज द एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर? ये एच हर्टज का एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के ऊपर। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या है? डी ब्रोगली इज दैट पर्सन जिसने हमको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहां पर आपने देखा एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, क्वांटम कहती है इलेक्ट्रॉन बिहेव जस्ट लाइक ए वेव, और उसको ऐसे स्टडी किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वेरीफाई किया कि ये एक वेव की तरह बिहेव करता है। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो कहती है बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक द पार्टिकल। डी ब्रोगली ने बताया कि एक्चुअल में ये दोनों ही है, इसी को डुअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। डुअल नेचर यानी दोहरा चरित्र, इलेक्ट्रॉन दोनों तरीके से बिहेव करता है, जस्ट लाइक द पार्टिकल और जस्ट लाइक द वेव। उसने हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन टाइप के जितने भी पार्टिकल है, मीसोन, पाइमीसोन एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर इन तीन पार्टिकल के अलावा बहुत सैकड़ों पार्टिकल होते हैं, सैकड़ों पार्टिकल होते हैं, तो उन सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक द पार्टिकल और जस्ट लाइक द वेव। तो डी ब्रोगली ने उसकी वेवलेंथ निकाली, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी। सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो mv से डिनोट किया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है, यानी किसी भी पार्टिकल, क्योंकि मास है तो पार्टिकल है और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वेलोसिटी है तो पार्टिकल है, वो पार्टिकल यदि किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका हम मोमेंटम निकाल सकते हैं और उस मोमेंटम की एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव, देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल और एज ए वेव। अब इससे आगे चलते हैं हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेंसबर्ग ने हमको बताया कि हम किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली मोमेंटम और पोजीशन, मोमेंटम रेफर टू द वेलोसिटी और पोजीशन, दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। यदि हमने एक्यूरेट वे में मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया तो कहीं ना कहीं उसकी एरर आएगी पोजीशन में, और यदि हमने पोजीशन को एक्यूरेट कर लिया तो एरर आएगी उसकी मोमेंटम में। अकॉर्डिंग टू हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी कांट, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली मोमेंटम एंड पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की साइमल्टेनियसली मोमेंटम और पोजिशन एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, यानी डेल्टा एक्स दैट इज रेफर टू पोजिशन, डेल्टा पी इट्स रेफर टू द मोमेंटम, इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4π, एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट। तो आज हमने इस वीडियो में स्टार्टिंग से व्हाट इज एटम से लेके हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक स्टडी किया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे हुम्स लो, ऑफ बाउ लो, क्वांटम नंबर्स, उन सबको स्टडी करेंगे। तो आगे इस टॉपिक को समझने के लिए आप रेगुलर हमारे सेकेंड वीडियो को देखिए। थैंक यू।